बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे विजिटिंग के फैकल्टी मेंबर्स हैं और दूसरे फ्रेंड्स हैं, पूछते हैं कि हम लोगों ने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो आज मैं उसके हवाले से आपको गाइड कराऊंगा, टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, उसकी लास्ट जो 30 सितंबर है उससे पहले पहले आप फिल कर लें, अदरवाइज आपका जो टैक्स रेट है अगर आप इनएक्टिव होगा और आपको फाइन भी पड़ेगा और इसमें आपको टैक्स के रेट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए जो लिंक हमने यूज़ करना है वो ये है iris.fpr.gov.pk। इसको हम इधर पुट करेंगे वेब प्रेस में तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। अगर तो आपने पहले FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आप इसका लोगन यूजर नेम पासवर्ड पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप यहाँ पे इस टैब पर क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हैं। इस पर आप अपना मोबाइल नंबर वही देंगे जो कि आपके नेम पे है, ईमेल एड्रेस वो आप यूज़ करेंगे जिसका पासवर्ड आपके पास रहे, इसको क्योंकि उसमें आपके जो यूजर नेम पासवर्ड आना है। अगर कभी पासवर्ड आपको भूल जाए तो उस ईमेल पे या मोबाइल नंबर जो आप देंगे उसी पे आपको उसका मैसेज आएगा उसके पासवर्ड का। इसलिए हमेशा आपके अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करें। जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं, इस पर डाटा प्रोवाइड करते हैं तो 1 डे के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो इससे नेक्स्ट डे आप लोग टैक्स जो फाइल्स हैं वो रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे जो आपको मैसेज आएगा तो ये आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो टैक्स फाइल रिटर्न करने के लिए आप डिक्लेरेशन में जाना है, इसके बाद आपने नॉर्मल रिटर्न टैब को पुट करना है। किसी और टैब को पुट नहीं करेंगे, काफ़ी सारे वर्जन हैं। तो जो हम लोग हैं सैलरी पर्सन और साथ में रजिस्ट्रिंग वगैरह की पेपर मार्किंग करते हैं तो उनके लिए ये जो नॉर्मल रिटर्न ये वाला टैप आपको सूट करता है। इसके बाद आपने ड्राफ्ट पे चले जाको क्लिक करेंगे नॉर्मल रिटर्न को तो आपके पास इस तरह की एक जो है विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर डिफरेंट कैलकुलेशंस आपके सामने आपको नज़र आती आ जाएंगे। अगर तो आपने पिछले साल रिटर्न फिल किया इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न तो आपका जो पिछले रिटर्न का सारा डाटा जो इसके अंदर दोबारा से आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इसकी लैंग्वेज उर्दू क्लिक करेंगे तो उर्दू अच्छे से आ जाएंगे। तो इंग्लिश में यूज़ करना इसको ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू उर्दू, तो आप इसको इंग्लिश में ही यूज़ करें। अगर आपको ना समझ आए तो आप उर्दू में भी कर सकते हैं। तो आपने जो जो चीज़ें फिल करनी है आपको सिर्फ वही बताऊँगा, बाकी चीज़ें हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो बिजनेस रिलेटेड है। सबसे पहले आपने जो चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगी आपकी पे स्लिप, आपको आप अपने यूनिवर्सिटी से या अपने स्कूल से या कॉलेज से इनकम टैक्स सर्टिफिकेट ले लें। सर्टिफिकेट मिलेगा आपकी टोटल इनकम कितनी है वो आपको बता देंगे, या आप खुद ही पे स्लिप से कैलकुलेट कर लें। तो जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक जो आपकी टोटल पे बनी है वो आप लिख लें। लेट सपोज वो 5 लाख है तो हम यहाँ पर 5 लाख लिखते हैं। इस पर जो टैक्स दिया, लेट सपोज मैंने 4500 टैक्स दिया है तो 4500 इस पर टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह पढ़ाई है उससे जो इनकम आपसे ली हुई है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 लाख है तो वो 1 लाख यहाँ पे इनकम फ्रॉम सर्विसेज, इसमें पेपर मार्किंग भी आ जाएगी, इसमें बिजनेस के कोर्स भी आ जाएंगे, जो भी चीज़ आप आ जाएंगी। और इसमें जो 10% टैक्स होता फॉर फाइलर, अगर आप फाइलर हैं तो वो टैक्स 10,000 होगा। अगर आपने कोई बैंक सेविंग अकाउंट है उससे आपको जो इनकम हुई है वो आप यहाँ पे लिख दें, आपको पता होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन जो आप यूज़ करते हैं इस पर इनकम टैक्स कटता है, वो हर कंपनी का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपने कार या बाइक का टोकन टैक्स पे किया उसके साथ एडवांस इनकम टैक्स पे होता है वो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट है जो हम यूज़ करते हैं, जो कनेक्शन है उस पर इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या पता होना चाहिए यह टैक्स कितना कटा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए आपके जो अकाउंट बैलेंस हैं, जो भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें 30 जून 2021 को कितना बैलेंस था। अगर फॉरेन से आपकी रेमिटेंस आई है आपके अकाउंट में तो वो आपको पता होना चाहिए। आपने कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज की है, सेव की है, उसकी वैल्यू जो रजिस्ट्री पर जो वैल्यू आपको वो इंटर करेंगे, दूसरी वैल्यू नहीं इंटर करेंगे। तो आपने सेल परचेज किया जो गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू यूज़ हुई है वो आप यूज़ करेंगे। इस तरह जो मोटर बाइक कार आपने गोल्ड परचेज सेल किया वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये फाइनेंशियल ईयर आपका होगा जुलाई 2022 जून 2021।
फर्स्ट जुलाई से लेकर 30 जून तक जो चीज़ें ये सारी आपके पास होनी चाहिए। तो वन बाय वन हम डाटा यहाँ पे ये सारा डाटा यहाँ बुक कर लें। सबसे पहले जो आपको पे मिलती है मंथली वो आप यहाँ पे इस टैब में पुट करेंगे। वन सबसे पहले वाले में एम्प्लॉयमेंट वाले में जाएंगे सैलरी 1009 इसमें आपको जो जितनी भी पे मिली है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी से अगर आपका कोई प्रॉपर्टी टैक्स आप कोई घर रेंट पर दिया उसे इनकम होती है तो आप लिख सकते हैं, वो यूजली नहीं होगी किसी की। इसके बाद हम बिजनेस में आ जाते हैं। तो बिजनेस में आपने अदर रेवन्यूज में जाना है। अदर रेवन्यू में आप जाएंगे फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज। जितना आपने जो है इनकम आपने ली है विजिटिंग की मद में यहाँ पे मार्किंग की मद में वो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे। और साथ में ये चीज़ यहाँ पे यहाँ से निकाल भी देनी है अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड नॉट फाइन टैक्स, क्योंकि आपका इसका टैक्स रेगुलर इनकम में नहीं शो करेंगे, इसका अदर इनकम में कल शो करेंगे। तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको टोटल अमाउंट को यहाँ पुट करना है और साथ में यहाँ भी इसको टोटल इनकम से आउट भी कर देना है, क्योंकि ये आपकी मंथली इनकम नहीं है, ये कभी आपको मिल जाती कभी नहीं मिलती। और इसमें फिक्स टैक्स 10% आप लोग पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको यहाँ से निकाल दें। इसके अलावा कोई और इनकम हो या तो आपके क्या कहते हैं बैंक अकाउंट से हो प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा इसके लिए एक और टैब है उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बैंक अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। लेट्स सपोज 1000 पे हुआ है तो आप 1000 यहाँ पुट कर दें, 1000 यहाँ पुट कर दें। इसको यहाँ से आउट भी करना आपने, क्योंकि इस पर फिक्स प्रॉफिट आप इनकम आप वहाँ पे दे भी चुके हैं तो आपने इसको टोटल इनकम से लाजमी आउट करना है। कि ये जो एम्प्लॉयमेंट में जो आपकी सैलरी आएगी ये पे स्लिप पे जो इनकम आ रही वो वाली है, ये अदर रेवेन्यूज में ये वाले जो पैसे ये वो वाले पैसे हैं जो कि आपको विजिटिंग की मद में या पेपर मार्किंग की मद में मिल रहे हैं। और ये अदर रेवेन्यू में अगर बैंक से कोई आपको प्रॉफिट आ रहा है इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आप यहाँ पे लिखें और इसको आप कैलकुलेट भी कर दें। इसके बाद ये आपके सारी इनकम आ गई, तीन तरह से आपकी इनकम आ रही है। लेट्स एक आपको सैलरी से आ रही, एक आपको डिस्ट्रिक्ट और पेपर मार्किंग से आ रही, और एक अगर आपको बैंक प्रॉफिट्स वगैरह से मिल रही है तो हमने तीनों इनकम हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद हम इसमें जाएंगे टैक्स चार्जेबल कि हमने कितने कहाँ कहाँ पर टैक्स रिडक्शन हमें कितनी हुई, कितनी हम एडजस्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एडजस्टेबल टैक्सेस यहाँ पे हम आएंगे। एडजस्टेबल टैक्सेस में हम जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज जितने हमने टैक्स यहाँ पे किया है आपके पे स्लिप पे लिखा होगा, लेट्स सपोज अगर वो 5000 आपने टैक्स दिया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज 149 इस वाले में आएगा। इसमें आप लोग ये बुक कर देंगे तो आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई मोबाइल अकाउंट सेलफोन आपके नाम पे है उसमें आपने टैक्स आपका कटाया तो आप ये इस वाले में आ जाएगा। सेलफोन बिल टैक्स सर्टिफिकेट आपको आप उसकी मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाता है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनेट पे जो आपको टैक्स कटा है तो आप यहाँ पे इसमें टैब को क्लिक करेंगे, उसका नंबर देंगे और यहाँ पे उसका वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह अगर आपने कोई टोकन टैक्स दिया है, एडवांस टैक्स या डिफरेंट टाइप के टैक्स यहाँ पे लिखे हुए जो कि एडवांस लिए जाते हैं, अगर आपने मोटर व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करवाई उस पर टैक्स दिया है, गाड़ी ट्रांसफर करवाई उसके ऊपर इनकम टैक्स दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड अप उसके रजिस्टर नंबर और उसका जो है नंबर वो यहाँ पे ऐड हो गई। अगर आप बिजली के बिल पे अगर आपने कोई टैक्स पे किया तो वो भी यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये सारा टैक्स बाद में आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने टैक्स देना हुआ तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा, इस तरह आपका जो फाइनल टैक्स है वो कम पे करवाना पड़ेगा।
ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, जो इनकम टैक्स आपसे ऑलरेडी कट चुका है, एडजस्टेबल में आएंगे जो ऑलरेडी आप लोग पे कर चुके हैं, पे की मद में या मोबाइल में या इंटरनेट में या जाके उसमें अकाउंट्स में अगर आपने यहाँ पे कोई इनकम टैक्स पे कर दिया तो वो भी इन्हीं टैब्स के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है फाइनल फिक्स, आपके जो लिस्टिंग के पैसे हैं वो आपने यहाँ पे पेपर मार्किंग के सारी कैलकुलेट कर लेने, और आपने ये इसको ये वाली पेमेंट ऑफ सर्विसेज, इसमें आपके लिस्टिंग और पेपर मार्किंग के पैसे आ जाएंगे 153 1B, 10% हमें रेंट है, सपोज आपके टोटल उसमें से 172,600 है, तो 1,60 10% इस पर टैक्स, आपने जो टैक्स इस पर पे किया है वो आप यहाँ पे करेंगे। टोटल इनकम आप जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो नहीं लिखेंगे, एक्चुअल जो आपका बिल बना वो लिखेंगे। लेट्स सपोज 1,00,000 का आपने लिस्टिंग पढ़ाई है तो 1,00,000, और इस पर 10% टैक्स है तो आप यहाँ पर 10,000 आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे और भी जिस तरह से जो आपके टैक्स आपने पे किए हैं जिसके अंदर और कैटेगरीज दी हुई हैं आप यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आएंगी जहाँ जिन पर टैक्स फिक्स ऑलरेडी फिक्स है, फिक्स लिमिट के तहत आपने देना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे अगर आपने बैंक अकाउंट से 10% टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आप वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इनकम भी ऐड हो जाएगी और साथ में टैक्स भी ऐड हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें आप कर लें इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर दें, ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आप आ जाएंगे कंप्यूटेशन, अब कंप्यूटेशन पे आके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपके वन टैब में सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये है आपके जो बिजनेस मीन विजिटिंग वगैरह पे जो आपने टैक्स आपसे इनकम हुई वो ये वाली है, अदर सोर्सेज लेट्स सपोज मैंने आपको यहाँ पे ऐड करवाया था बैंक इनकम सेविंग अकाउंट में आपसे मिली है तो वो ये चीज़ आ गई, जितने टैक्स टोटल इनकम टैक्स जो आपको बनना चाहिए वो ये बनेगा, टैक्स चार्जेबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। जो फाइनल फिक्स टैक्स है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। एंड पे फाइनली आ जाएगा कि आपने जो टैक्स अगर आपने आपसे डिमांड किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और रिफंडेबल है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 7,280 रुपये आपके टैक्स रिफंड बनता है। फिक्स टैक्स को आप रिफंड भी कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको अलग से क्लेम करना पड़ता है। अगर टैक्स पेड करना हुआ आपको यहाँ पे डिमांडेबल इनकम टैक्स आ जाएगा तो आप यहाँ पे वो टैक्स पे करेंगे तो फिर ही आपका वो टैक्स पे रिटर्न फाइल होनी। इसके बाद अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पे आप टैक्स रिडक्शंस में आके अपना टैक्स रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये वाला जो टैक्स रिड्यूस होगा वो टैक्स रिड्यूस होगा जो कि आपकी सैलरी जो फिक्स इनकम जो है ईयरली इनकम है उसमें, लेट्स सपोज अगर आप पे टैक्स आपको देना पड़ता है 1,000 आपका इनकम टैक्स बनता है तो उसमें 25-45% टीचर्स को रिडक्शन मिलती है, तो आपको उसमें से 25 अगर 1,000 टैक्स बनेगा तो उसको आप 250 रुपये आपको उस पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपका 4,000 बन टैक्स बनता है तो आपको 1,000 रिलैक्सेशन मिल जाएगी 25%। ये भी आपने अगर आप टीचर हैं तो आपको ये अजम्पशन मिलेगी रिडक्शन की, तो ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आपने ये फाइनल कैलकुलेशंस में चले जाना, इसको क्लोज कर देते हैं। फाइनल कैलकुलेशंस में चले गए तो ये हमारे पास 7,280 रुपये हमें रिफंड होने हैं। इसके बाद हम टैक्स रिटर्न के लिए वेल्थ स्टेटमेंट पर जाएंगे, इसमें आपने अपने सारे पर्सनल एक्सपेंसेस लिख देने हैं, आपने यो टैक्स कितना दिया, लेट्स सपोज मैंने टैक्स इस साल 45,000 दिया तो यहाँ 45,000 टैक्स आ जाएगा, व्हीकल गाड़ी के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन के चार्जेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। इन सारी चीज़ों में आपने सारी चीज़ें लिखते जाना है जो आपने मेडिकल पे, एजुकेशन पे चीज़ें यूज़ की,
फैमिली में किसी कंट्रीब्यूट के सारी चीजें यहाँ पे आप लोग ऐड कर देंगे। डिफरेंट हेड्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जितना दिया, वाटर का जितना दिया, टेलीफोन बिल जितना खर्च किया, आप यहाँ पे सारे ऐड कर देंगे। इसके बाद आप असेस्ड आएंगे आपके नाम पे जो चीजें हैं, लेट्स सपोज आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है उसकी अमाउंट उसकी चीज आ जाएगी। इसके अलावा जो आपके पास है सेमी सर्टिफिकेट्स हैं उसमें जो चीज़ है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। आपके पास जो गोल्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे इस अकाउंट में 20,000 पड़े हैं, तो ये 20,000 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रफली लिख रहा हूँ। दूसरा मेरे पास एक और अकाउंट है उसमें जितने पैसे पड़े वो यहाँ पे आ जाएंगे। और मेरे पास गोल्ड है जितना मैंने लिया हुआ है उसकी यहाँ पे अमाउंट मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ये मैंने खुद ही लिखी हुई है, उसकी कीमत 20,000 है, तो वही यहाँ पे लिख के इसको कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई कैश पड़ा हुआ है कैश की अमाउंट यहाँ लिख दूंगा। इसी तरह से कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई मोटर व्हीकल मेरे नाम पे है तो उसको मैं यहाँ पे जाके मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और उसकी एक मॉडल यहाँ पे करके और जितने की मैंने परचेज की है वो यहाँ पे इंटर कर दूंगा। प्रॉपर्टी मेरे नाम कोई है तो प्रॉपर्टी को यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी है या एग्रीकल्चर है या कोई भी चीज़ यहाँ पे है तो उसको हमने वन बाई वन यहाँ पे ऐड करके जो आपके नेम पे है। इसके बाद हम आ जाएंगे फाइनल रिकॉन्सिलेशन पे कि आपके पिछले साल कितने सेस थे, इस साल आपके टोटल इनकम डिक्लेयर नॉर्मल टैक्स कितनी बनी है, जो आपकी फाइनल फिक्स्ड इनकम टैक्स वो जो है वो कितनी बनी है, आपके आउटफ्लोज क्या हैं, आउटफ्लोज में आपके जो आएंगे एक्सपेंसेस आएंगे जो किसी ने गिफ्ट दिया वो आ जाएंगे। इसके बाद आपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज और आपके जो नेट असेस मैच करने के बाद आपके पास ये वाली जो अमाउंट है वो जीरो होनी चाहिए। इसको आपने फिर बैलेंस करना है अपने एक्सपेंसेस के साथ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 15,00,000 माइनस आ रहा है तो आपको उसको पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर इसको डालना पड़ेगा या आपने इसको अपने जो है असेस्ट के अंदर कैश के अंदर शो करना पड़ेगा कि आपके पास इस तरह से हो कि आपके पास जो नेट चीज़ है आपके पास ये जो है अमाउंट इस प्लेस पे जीरो हो जाए। तो इसको आप यहाँ एक्सपेंसेस के अंदर शो कर सकते हैं या आप इसको अपने असेस्ड आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर्टी गाड़ी या कुछ किसी चीज़ को मिस कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ रही है, जब ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ये अमाउंट जीरो आ जाएगी। इस तरह से आप अपनी जो सारी टैक्स रिटर्न फाइल है वो रिटर्न कर सकते हैं। सारी चीज़ें प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें मुझे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ इसका वेब का, और साथ में जो चीज़ें आपको रिक्वायर है वो। अल्लाह हाफिज़।